अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे हम लोग को सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, आप बोल सकते हैं ये ट्राइंगुलर ब्लॉक है, इस ट्राइंगुलर ब्लॉक पर एक छोटा ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये ट्राइंगुलर ब्लॉक एक स्प्रिंग और एक पुली सिस्टम से होते हुए एक मास m से कनेक्टेड है। तो हम लोग को इस मास m का वैल्यू निकालना है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। कंडीशन ये है कि विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्राइंगुलर ब्लॉक, मतलब ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ये इस ट्राइंगुलर ब्लॉक पर स्लिप ना करे, उसके लिए इसका मास कितना होना पड़ेगा। ओके, अब देखिए एकदम इजीली समझिए बात, पहले इस मास को ही देखते हैं। तो एफबीडी अगर हम बनाए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, ओके, ये जो हमारा ब्लॉक है इसका मास m है, अगर हम लोग FBD बनाते हैं तो क्या आएगा हमारे FBD में, ये हमारा ब्लॉक हो गया, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज mg, टेंशन बाय द स्ट्रिंग दैट इज t, और ये ब्लॉक मान लेते हैं कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन a। सो इसका जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा t माइनस mg इक्वल्स टू माइनस ma। ओके, दिस इज द सपोज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे आते हैं। अब इस ट्रायंगुलर ब्लॉक और स्मॉल मास जो m है इसके बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। इसका हम फिर से एक बार यहां बनाते हैं, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा ट्रायंगुलर ब्लॉक हो गया। ओके, ये हमारा ट्रायंगुलर ब्लॉक हो गया और ये हमारा यहां पे मास है एंड दिस एंगल इज। ओके, तो देखिए इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर एक टेंशन लगेगा इधर T, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर एक टेंशन लगेगा T। अब देखिए इस पे ये ट्रायंगुलर ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मतलब ये वाला ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वर्टिकली डाउन अपवर्ड, तो ये स्मॉल ब्लॉक इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये आपको जानते हैं, तो ये आपका भी थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये आपका आर है, ये भी आर है ना, ये वाला आर कौन लगा रहा है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक लगा रहा है स्मॉल ब्लॉक, ये वाला आर कौन लगा रहा है, ये स्मॉल ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये आर हो गया, इधर हो जाएगा आर कॉस थीटा, ओके, इधर हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। उसी तरह से अगर ये आर है इसका आर कॉस से नीचे चला जाएगा और इसका आर साइन थीटा रह जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ओके, इस आर का, और इधर हो जाएगा आर कॉस थीटा, मतलब देखिए ये जो आर कॉस थीटा है ये लग रहा है स्मॉल ब्लॉक, और ये जो आर कॉस थीटा है ये लग रहा है ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये r sin थीटा है वो लग रहा है स्मॉल ब्लॉक, ये r sin थीटा लग रहा है ट्रायंगुलर ब्लॉक। ओके, बात समझ में आ गया। यहां पे हम लोग क्या किए, हम लोग यहां पर जनरली mg को कंपोनेंट को निकालते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग r के कंपोनेंट को निकालते हैं, ठीक है, और ये हमारा इस ये जो ब्लॉक हमारा है स्मॉल ब्लॉक उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg नीचे लगेगा, और ये जो ब्लॉक है इसका भी जो वेट है वो भी mg नीचे की तरफ लगेगा। ओके, यहां आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो पहले हम लोग लिख रहे हैं FBD बना रहे हैं फिर से FBD ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक, FBD ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक, तो ट्रायंगुलर ब्लॉक का अगर हम लोग FBD बना रहे हैं तो इसका क्या-क्या है, इसमें क्या-क्या फोर्स लगता है ट्रायंगुलर ब्लॉक, सिंपल बात है ट्रायंगुलर ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है इधर टेंशन T, एक इधर लग रहा है R sin थीटा, R sin थीटा, वर्टिकल फोर्स का आपको यहां जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां जो भी एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टली भी होगा, फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसका वेट लगेगा नीचे दैट इज m'g, ओके, और इस
इसमें एक और हमारा आर भी लगेगा क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ये भी इसमें आर लगाएगा। तो वर्टिकली अभी फोर्स को यहाँ पर तोड़ने का जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टली कीजिए तो काम हो जाएगा। बहुत सारा डायग्राम में फोर्स दिखे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल दो फोर्स लगा, इस पर एक टेंशन लगा और एक आर साइन थीटा, ये जो आर लग रहा था जो कि स्मॉल ब्लॉक इस ट्राइंगुलर ब्लॉक लग रहा था उसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है आर साइन थीटा, इसका आ जाएगा टी माइनस आर साइन थीटा नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, ये दोनों कनेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन जितना होगा इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा, सो एक्सेलरेशन विल बी ए, सो इट विल बी एम डैश ए। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एफबीडी ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक, ओके, उसका एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, एफबीडी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, राइट। तो स्मॉलर ब्लॉक का जो एफबीडी निकालेंगे बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स लगेगा स्मॉलर ब्लॉक पे देखते हैं। ये हो गया आपका स्मॉलर ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल फोर्स को ही देखिए क्योंकि हम लोग को हॉरिजॉन्टल फोर्स से ही निकलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी वर्टिकली देखना पड़े, देखते हैं, एक लग रहा है आर साइन थीटा, आर का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट दैट इज आर साइन थीटा, ओके। अब एक चीज देखिए, सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, कहाँ पे, जब ये ट्राइंगुलर ब्लॉक आगे बढ़ेगा और अगर सपोज इस ट्राइंगुलर ब्लॉक से एक ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा, स्मॉलर ब्लॉक को, ये अगर ऑब्जर्वर है, सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये एक ऑब्जर्वर है वो इस ब्लॉक को देख रहा है तो अगर ये ट्राइंगुलर ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा इन राइट डायरेक्शन तो ये ऑब्जर्वर को नहीं लगेगा ये वाला ब्लॉक जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, अगर ये ट्राइंगुलर ब्लॉक राइट की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स इस खिंचाव के कारण, तो यहां से अगर एक ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा उसको नहीं लगेगा कि ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, जैसे अगर हम यहां खड़े हो गए ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमको नहीं लगेगा कि ये जो बोर्ड है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये आप लोग जानते हैं, ओके। बात समझ में आ रहा है, जब ऑब्जर्वर अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है तो उसको लगेगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा या इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन इधर होगा a, इसका एक्सेलरेशन होगा a इस साइड, क्योंकि ट्रायंगुलर ब्लॉक a एक्सेलरेशन से राइट की तरफ जा रहा है तो इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये स्मॉलर ब्लॉक लेफ्ट की तरफ a एक्सेलरेशन से जाएगा, ओके। बात समझ में आ रहा है, तो ये इसका हो जाएगा एम ए, सो यहाँ आ जाएगा आर साइन थीटा is equal to m a, okay, r sin theta is equal to क्या आ जाएगा m a आ जाएगा, right, r sin theta is equal to m a आ जाएगा, और एक चीज आएगा r cos theta, r cos theta इसपे लग रहा है ऊपर की तरफ, so इसमें r cos theta लगेगा vertically upward that is r cos theta, और इसका खुद का जो weight है वो नीचे लग रहा है that is m g, तो r cos theta is equal to हम लोग mg भी लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan theta is equal to a by g आ जाएगा, so this is equation number 3, okay। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 और 2 को पहले सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा t minus mg is equal to minus ma, right, और दूसरा हो जाएगा t minus r sin theta, t minus r sin theta is equal to m dash a, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, यहां गया r sin theta माइनस mg इक्वल टू, या माइनस a कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा m, क्या एक काम कीजिए अभी कुछ कॉमन मत लीजिए, माइनस ma माइनस एम डैश ए भी रहने दीजिए, ओके, क्योंकि हमको एम निकालना भी है। अब क्या कीजिए, आर साइन थीटा को देखिए, क्या आर साइन थीटा की जगह पर हम लोग एम ए नहीं लिख सकते हैं, आर साइन थीटा की जगह पर एम ए नहीं लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, आर साइन थीटा की जगह एम ए लिख सकते हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए एम ए, एम ए लिख दिए यहाँ पे, ओके, प्लस एम डैश ए इस तरफ कर दीजिए और उधर एम को कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा g माइनस a, तो a यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल m प्लस m डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा g माइनस a दैट इज इक्वल टू कैपिटल m। अब तो बन गया, अब a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ से जानते हैं इक्वेशन 3 से, a की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं g tan थीटा,
तो यह आएगा जी टैन थीटा स्मॉल एम प्लस एम डैश डिवाइडेड बाई जी जी माइनस जी टैन थीटा। तो आप यहां से जी टैन थीटा कॉमन ले लीजिए, जी जी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा यह टैन थीटा एम प्लस एम डैश बाई वन माइनस टैन थीटा। आप एक काम कर सकते हैं, इस टैन थीटा को नीचे लिख सकते हैं, तो टैन थीटा को नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्मॉल एम प्लस एम डैश ओके वन बाय टैन हो जाएगा कॉट थीटा और माइनस वन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया, सूडो फोर्स का क्या होता है, जब एक बॉडी मूव करता है और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे बॉडी को देखते हैं, तो जैसे इस बॉडी के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ट्राइंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक को देख रहे थे, तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ हो रहा था, दैट इज द सूडो एक्सेलरेशन। ओके और हमको बताइए, फीडबैक दीजिए, और फिर इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, और फिर आप लोग घर में उसको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, एंड देन यू गिव अस द फीडबैक ओके, एंड देयर आफ्टर वी विल डू द नेसेसरी टास्क रिक्वायर्ड। ओके चलिए, थैंक यू एंड सी यू अगेन।